जनपद गोंडा में 3 चुनावी जनसभाओं को रक्षा मंत्री ने किया संबोधित, विपक्षियों पर कसा तंज। कोई मायका लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि भाजपा के किसी मंत्री के दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस की सरकार में इनके सरकार व मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, लेकिन भाजपा के किसी मंत्री के दामन पर नहीं लगे भ्रष्टाचार के दाग। रक्षा मंत्री, सत्ता में वापस आने पर मिलेगा होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर, किसानों को दोगुनी सम्मान निधि देने की घोषणा। विशेष संवाददाता अतीक रैंग की रिपोर्ट। गोंडा जनपद में आगामी 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होने वाला है, जिसको लेकर भाजपा अपने प्रत्याशी को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को जनपद में 3 विधानसभा क्षेत्रों के देश के रक्षा मंत्री व भाजपा स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह ने पहुंचकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। शनिवार को गोंडा जनपद के 3 विधानसभा करनैलगंज, तरबजगंज, मनकापुर में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहुंचकर ताबड़तोड़ 3 चुनावी जनसभाएं करके राजनीति माहौल को गर्म कर मनकापुर के एपी इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गोंडा सांसद कीर्ति वर्धन सिंह, राजा भैया व रमापति शास्त्री ने स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब कमजोर देश नहीं रहा, दुनिया में भारत की बात अब पूरी गंभीरता से सुना जाता है, पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने विपक्षियों पर प्रहार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस की सरकार में इनके सरकार व मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन कोई मायका लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि भाजपा के किसी मंत्री के दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हों। उन्होंने कहा कि हम जनता की आंख में धूल झोंकने का काम नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। कश्मीर से 370 हटाया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों और पारसियों और ईसाइयों जैसे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून बनाया गया, जिसमें इन्हें आसानी से नागरिकता दिया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने साबित कर दिया है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते। विपक्ष पर भी तंज कसते हुए कहा कि लक्ष्मी ना तो साइकिल पर आती है और ना हाथी पर आती है, ना हाथ पर आती है, लक्ष्मी तो सिर्फ कमल पर आती है। उन्होंने ना केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मनकापुर से प्रत्याशी रमापति शास्त्री को जिताने की अपील की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा, वहीं किसान सम्मान निधि से 6,000 की जगह 12,000 रुपए देने का भी वादा किया। यह है वाली भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जो कहा है उसको किया। आप राजनाथ सिंह को नहीं आइए, आप रमापति शास्त्री को नहीं आइए, आप राजा भैया पर नहीं आइए। हम कुछ बोलेंगे गलत हो सकते, लेकिन पार्टी जो बोलती है रहने वाली सोच समझ कर बोलती है, और जो कहते हैं हमसे करके दिखाते हैं। 2014 में उस समय जो इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार हुआ था, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मेरी ही देखरेख में तैयार हुआ। और 2019 में भी मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी आपने पिछली बार देखा, इस बार भी घोषणा पत्र तैयार करवा ली, मेरी ही देखरेख में हुआ। कहीं पर कोई बात थी तो मैंने कहा कि मोदी क्या हम लोग इस काम को कर पाएंगे, तो उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर करवा के कहा कि राजनाथ जी हो सकता है इसको डाल दीजिए। तो मैंने भाई उसको घोषणा पत्र में हम लोगों ने शामिल कर दिया। इसीलिए मैं डंके की चोट पर कहता हूं, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी केंद्र का घोषणा पत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश का 2017 का घोषणा पत्र हो, आप उठाकर देख लेना, जो हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। बहनों भाइयों, हमारी कटाई और करने में कोई अंतर नहीं आया। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने कहा बहुत कुछ, आंशिक रूप से भी यदि पूरा कर दिया होता तो हमारा भारत आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होगा। कई साल पहले तुम्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करते हुए आपने अच्छी तरह देखा है, समझा है। प्राय समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, इन सरकारों के ऊपर और इनके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गया। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो अथवा इसके पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई माता लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि किसी भी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई।
यह कोई छोटी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया कहती थी भारत कमजोर भारत है, सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं। आज यदि भारत कुछ बोलता है मेरे बहने भाइयों, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है। और हमारा भारतवासी तो इतना स्वाभिमानी है, भूखे सो सकता है रात गुजार सकता है कई रात, लेकिन भारत के स्वाभिमान पर चोट कोई पहुंचा दे इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता।